दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों प्रतिभा नमन के 10वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं विनोद प्रजापति। विनोद प्रजापति एक स्थापित यूट्यूबर हैं, YouTube की दुनिया में कोई नया नाम नहीं है विनोद प्रजापति। इनके दो चैनल बहुत सक्सेसफुली, बहुत तेजी से ग्रो करते हुए चैनल हैं। एक चैनल का नाम है प्रमोद्स लाइफ, जिस पर छोटे भाई के नाम पे, जो छोटे भाई के नाम पर है इनके। इस चैनल पर 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और दूसरा चैनल है विनोद्स रिव्यू, जिस पर 2,80,000 सब्सक्राइबर हैं विनोद्स रिव्यू पर। तो ऐसे दो चैनल इनके चल रहे हैं और एक ब्लॉग चैनल भी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है अभी। विनोद प्रजापति को देखकर ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था यूट्यूब का, और इनसे मुझे बहुत मदद मिली है शुरुआत में, और बहुत दिनों से ड्यू था इनका एक इंटरव्यू। तो आज हमने उदयगिरी की गुफाएं भी घूमी और साथ में इंटरव्यू के लिए मैंने आज इन्हें विनोद प्रजापति को पकड़ ही लिया। आखिर बहुत ये बच रहे थे पर आज पकड़ा गए हैं। तो विनोद, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने हमें इन्वाइट किया आपके चैनल पर। और इंटरव्यू से बच रहे थे ये कोई बात नहीं, व्यस्तता की वजह से बच रहे थे, ऐसा कह लीजिए। ऐसा नहीं है, समय कम था, समय के अभाव में मजाक कर रहा हूँ। आपके और हमारे बीच में दूरी काफी ज्यादा है, होशंगाबाद और विदिशा, इसी वजह से कारण वो था। 200 किलोमीटर बिल्कुल 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 आसान नहीं है वहाँ से यहाँ आना, और या फिर यहाँ से मेरा जाना तो बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा खेती का काम भी देखना पड़ता है मुझे। हाँ ना, बिल्कुल, यही कुछ कारण है जिस वजह से टल रही थी वो बात। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है आज वो संयोग बना है। तो विनोद जी, सबसे पहले तो आपके थोड़े से पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताएं। पारिवारिक में क्या है, हम दो भाई हैं जी, है ना, माता पिता ज्वाइंट फैमिली है, साथ में रहते हैं। बहुत बढ़िया, खेती किसानी करते हैं, और जैसा कि पता है कि पहले हम कलीग्स रह चुके हैं, एक ही कंपनी में काम करते थे, बिल्कुल हिंदुस्तान फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, हाँ है ना, उसी कंपनी के एम्प्लॉय रहे हैं, साथ में काफी लंबे समय तक रहे हैं, बिल्कुल। बस ये, और बाकी खेती किसानी से किसान आदमी है, आप सब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं एक एक चीज जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। बहुत बढ़िया, तो आपकी YouTube की जर्नी के बारे में मुझे बताइए थोड़ा सा, कि आपने YouTube स्टार्ट कैसे किया। YouTube मेरी लाइफ में ऐसे अचानक ही आया, मतलब YouTube देखते थे, हाँ लोगों को देख के इंस्पायर होते थे, है ना, और मतलब उस टाइम पे क्या था, जॉब के साथ साथ मुझे जिमिंग का बहुत अच्छा शौक था, अच्छा, काफी अच्छी वेट बढ़ा लिया था, बॉडी भी बहुत अच्छी बना ली थी मैंने, बहुत जिमिंग करता था। अच्छा, हाँ अलग अलग तरह के प्रोटीन्स और सब कुछ सप्लीमेंट्स लेता था मैं, और बहुत बहुत अच्छी डाइट के साथ अच्छे समय तक जिमिंग की मैंने। अच्छा, हाँ तो जिमिंग और उसी फील्ड के मैं वीडियोस भी देखता था, है ना, गुरु मान, रोहित खत्री और भी बहुत सारे थे ऐसे। अच्छा अच्छा, हाँ तो ऐसे वीडियोस देखता था, तो उनको देख के लगा यार अपन जिमिंग कर ही रहे हैं तो क्यों ना अपन भी अपना कुछ शुरू करें, अपने बारे में बताएं, क्योंकि उस लेवल पे आ चुके हैं कि अपन ज्ञान दे सकते हैं, अभी तक ज्ञान ले रहे थे, तो अपन ने शुरू किया। और 2018 अप्रैल के महीने में वो जो काम पे एकदम से विराम लग गया, अच्छा, मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लगभग 15-16 फीट की ऊंचाई से गिरने से। तो वो आप जो गिरे थे वो भी शायद वीडियो शूट करते समय गिरे थे? नहीं, वो एक कार्यक्रम में गया था मैं। अच्छा, हाँ मतलब मेरे साड़ू भाई के जो है बेटी का मुंडन था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ना, तो ये तो अफवाहें उड़ी बीच में। अच्छा, क्योंकि यूट्यूब कर रहे थे, हाँ, और सेल्फियां लेने का बहुत शौक था, फेसबुक पे बहुत फोटो डालता था मैं, है ना, और साथ में अपन वीडियो बनाते थे तो लोगों को वही लगता है, हाँ कि वीडियो बनाते समय दुर्घटना हुई। दुर्घटना हुई, अच्छा, अच्छा ऐसा नहीं है, कैमरा हमेशा साथ में लेके जाते थे, कहीं भी जाते थे कोई अच्छा सा फुटेज मिल जाता है, हाँ, तो उसकी तलाश में अपन हमेशा रहते हैं, हर यूट्यूबर रहता है, बिल्कुल सही बात है ना, हाँ। अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो आप चाहोगे, है ना, कि अपन कुछ वैसा रिलेटेड मिल जाए, तो ये इत्तेफाक हो सकता है आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा था नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ तो वहाँ पे मतलब किसी भी अनजान प्लेस में, और इस वाक्य के साथ मैं बताऊँ, आप कहीं जाते हो तो सावधानी ये रखो कि कोई भी आप अननोन जगह पे जा रहे हो तो वो आपकी जानी पहचानी नहीं होती, तो एकदम फ्रेंडली मत हो जाओ, हाँ। कहीं पे जाओ तो बहुत ज्यादा सावधान रहो, बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि इंसान के शरीर का मस्तिष्क और स्पाइन, ये दो चीजें हैं जो आपके पूरे शरीर को चलाती हैं, इस सारे के सारे निर्देश जाते हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हैं,
आपको हाथ हिलाना है क्या है, तो आपके दिमाग ने जो है ऑर्डर जनरेट किया और वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, आप जैसे मैं हिला रहा हूँ तो यहाँ से ये हो रहा है, तो या तो यहाँ चोट लग गई तो भी आदमी गया है ना, और स्पाइनल में से कहीं, हाँ, तो वो एक आपका वायर, जैसे सीपीयू में अलग अलग वायर जाते हैं, मॉनिटर का वायर काट दो डिस्प्ले खत्म, माउस का काट दो माउस काम करना बंद, तो वही हालत थी। जैसे एक्सीडेंट हुआ भाई साहब, क्या बताऊं, एक अलग ही वो जो समय था एक्सीडेंट के बाद से लगभग 1.5 साल का, वो बहुत ही मतलब मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा कि ऐसा समय किसी का, बहुत बुरा समय रहा। तो उस समय ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, बहुत बढ़िया, और हाँ डीमोटिवेट नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात, कभी नहीं हुआ डीमोटिवेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो जो समय था ना हमारी, काफी जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती था काफी अच्छी चर्चा होती थी, बात हमारी रेगुलर होती रही उस ड्यूरेशन में, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत बढ़िया, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पापा ने और इवन मेरे भाई ने बहुत गजब का सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट नहीं हो तो आदमी मर जाता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो स्पाइन की होती है, बच भी जाते हैं लोग, 1-2 साल तक जीते हैं, मर जाते हैं। ये 3रा साल है मेरा और आपके सामने हूँ और मैं काम भी संभाल रहा हूँ। शुभकामनाएं आपको, आप स्वस्थ रहें हमेशा आगे भी। हाँ, तो सभी लोगों से मैं बताऊं भैया, स्पाइन का और यहाँ का रखो, जो आजकल की नई नई जनरेशन है, जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, आज की जो जनरेशन है, जो नई उभर के आ रही है, 15-16 साल से लेके 20-21 साल तक, इसमें पता नहीं क्या होता है, ये बच्चे हाई स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं, उनको होश नहीं है इस चीज का कि अगर आपनी दुर्घटना हुई और इनमें से एक जगह भी गई ना, तो आपका जीवन खत्म, कोई काम, आप जिंदा भी रह जाओगे ना तो कोई काम के नहीं हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। मैं किन पीड़ाओं, आज देखो, आज मैं स्वस्थ हूँ जरूर, लेकिन 100% नहीं हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकता, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी लाइफ जो है स्ट्रगल कर रही है, अपन लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। आप जल्द से जल्द अपनी सारी पीड़ाओं से निजात पाए। तो जो आप दुर्घटना के पहले वीडियो डाल रहे थे, वो जिमिंग के वीडियो डाल रहे थे? हाँ, वो जो वीडियोस थे वो जिमिंग की इन्फॉर्मेशन थी, मेडिसिन की थी, सप्लीमेंट्स की, फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, डाइट्स होती थी, इस तरह की मैं वीडियोस डालता था पहले, और वो अच्छी चलती भी थी। और दुर्घटना के बाद फिर डाइवर्सन कैसे आया इसको लेकर? फिर जिमिंग, देखो जिमिंग तो फिर आज भी बंद कर ही नहीं सकते, बिल्कुल, तो जिमिंग तो गई। हाँ, और एक लंबे समय तक फिर चैनल बंद रहा। हाँ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं स्वस्थ हुआ, तो तब खेती करना, जॉब भी चली गई, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो लेकिन कुछ समय के लिए लगा कि चली गई, लेकिन वो बच भी गई। पता नहीं हमारे बॉस को भी हमें लगा कि नहीं ये गलत समय है। हमारे बॉस हमारा ध्यान तो रखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। हाँ, क्योंकि 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, है ना, बिल्कुल, और हमारी मुलाकात, हाँ, अपनी मुलाकात 9 या 10 में हुई थी, 9 या 10 पहले हो गई थी शायद, 7-8 में, 7-8 में, 7-8 में मुलाकात हुई थी, मुलाकात हो गई थी, तो हम तब से साथ में हैं, बिल्कुल। तो उसके बाद खेती किसानी तरफ, खेती किसानी के वीडियो डालने तरफ कैसे ध्यान गया कि खेती किसानी के वीडियो डालना चाहिए? खेती किसानी तो देखो पहले से कर ही रहे थे। हाँ, और मैं वीडियोस देखता था काफी, खेती किसानी, खेती किसानी में भी काफी अच्छा इंटरेस्ट था मेरा। तो देखा कि यार चलो, अब जिमिंग तो कर नहीं रहे, अपने को यूट्यूब तो करना ही है ना, कर रहे थे एकदम से, मतलब शौक सा लगा हुआ था उसका एक्चुअली। हाँ, तो वो शौक पूरा करने के लिए कुछ तो करते, तो इस फील्ड में आगे बढ़े। अच्छा। हाँ, और आज आप देख सकते हो कहाँ है अपन, बहुत बढ़िया, एक चैनल पे गोल्ड बटन आप ले चुके हैं, गोल्ड प्ले बटन। हाँ, और एक चैनल पे सिल्वर प्ले बटन आप ले चुके हैं। मेरे पास टोटल 2 सिल्वर हैं और 1 गोल्ड है। 2 सिल्वर, हाँ, 2 सिल्वर होंगी और 1 गोल्ड है। हाँ, बहुत बढ़िया, और एक और गोल्ड आएगी जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, ताकि जल्द से जल्द ये गोल्ड बटन को प्राप्त कर पाए। और बाकी जर्नी कैसी रही आपकी यूट्यूब की, जब आपने खेती किसानी के वीडियो डालना शुरू किया और रिस्पांस आपको अच्छा मिलने लगा, तो फिर आप एक ट्रैक्टर तरफ ही मुड़ गए थे कि ट्रैक्टर के वीडियो ही आपके मैक्सिमम है? नहीं, ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन से भरे हुए रहते हैं, ठीक है ना, जब जिस चीज में लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ किसी का काम का है, काम की चीज हो सकती है, तो ही दिखाते हैं, ऐसा नहीं है हर कुछ दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। तो कैसा महसूस किया जब आपने पहली सिल्वर प्ले बटन प्राप्त की थी पहले चैनल पर? वो तो गजब का अनुभव था, मतलब मजा आ गया था, एक्साइटमेंट। हाँ,
और वो जो बटन आई थी ना उसका स्वागत भी हमने बहुत धूमधाम से किया था, लेकिन वो वीडियो इतनी चली नहीं। हाँ। आप जाके देख सकते हो, उसका वीडियो बहुत शानदार बनाया था। प्रमोद स्लाइप पर वो वीडियो डाला हुआ है, वीडियो डाला हुआ है वो, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद एक और सिल्वर आई, गोल्ड आई, बहुत उनको खोल के भी नहीं देखा, ऐसी रखी। उसके बाद फिर वो एक्साइटमेंट नहीं रहा जो पहली बार था। हाँ, उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही। और इंस्टाग्राम पे लोग करते हैं उसको, अनबॉक्स करते हैं। लेकिन आपने किया था? नहीं किया। अच्छा भैया, इंस्टाग्राम पे मेरे से ज्यादा फॉलोवर्स हैं इनके, मेरे 450 हैं इनके, 500-600 हैं, तो ये इंस्टा पे तो अपन से ज्यादा आगे हैं। और ब्लॉगिंग वाले चैनल को लेकर क्या कहेंगे आप? ब्लॉग की चैनल एक्चुअली में मुझे इंटरेस्ट नहीं था ब्लॉग बनाने का। लेकिन डिमांड आई मेरे, और बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, वो जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बोला कि यार हम आपकी रियल जो निजी लाइफ है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप डेली ब्लॉग्स भी बना के हमको दो। बहुत बढ़िया, तो इसलिए वो शुरू किया। हाँ। है ना, और इसमें क्या है, अपन घूमने फिरने जाते ही हैं, जो भी दिनचर्या करते हैं वो सब, तो वो डेली ब्लॉग्स तो बन नहीं पाते हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के, दो दिन छोड़ के अपन बनाते हैं, दो दिन का इकट्ठा दिखा देते हैं ऐसे करके। किस नाम से है आपका ब्लॉगिंग चैनल? रूल्स ऑफ लाइफ। रूल्स ऑफ लाइफ, इसकी भी एक कहानी है भैया। मैं चाहता तो मतलब विनोद प्रजापति ब्लॉग या विनोद श्रीवी ब्लॉग कुछ भी मिलता जुलता बना सकता था, नहीं मैंने रूल्स ऑफ लाइफ जानबूझ के रखा और बहुत सोच के रखा था, और मैं इस विषय पे एक वीडियो उस पे बना के और बताने वाला था कि मैंने क्यों रखा ये थीम। जब रखा था मैंने तभी सोच लिया था कि एक समय आएगा जब मैं ये इस बात को रिवील करूंगा कि ये नाम ऐसा क्यों है ना। तो उसकी कहानी ये है कि जैसा कि अभी बताया मैंने कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। है ना, तो रियल लाइफ में मैं क्या करता हूँ, उसमें क्या क्या नियम अप्लाई करता हूँ, आपको भी वैसे अपनी लाइफ में जरूर करने चाहिए अगर सेफ रहना है तो। है ना, आपकी बॉडी को कैसे सेफ रखना है, और हर तरह की मैं चीजों का ख्याल रखूंगा, ऐसा मैंने थीम सोची थी। और मैं जल्दी ऐसा वीडियो बनाऊंगा, और आप जैसे देखते हो कि जब जरूरत होती है तो मैं बेल्ट भी पहनता हूँ और अलग अलग तरह के सारी चीजें करता हूँ समय समय के साथ। जो जब जरूरत है वो जो है, अपनी लाइफ जो है अब रूल्स से घिरी हुई है, तो उन रूल्स को ही उन डेली ब्लॉग्स में दिखाना था, इसलिए मैंने चैनल का नाम रूल्स ऑफ लाइफ रखा। बहुत बढ़िया, एक डिसिप्लिन लाइफ हो गई आपकी। डिसिप्लिन, आप हर कुछ नहीं कर सकते यार, यहाँ से कूद रहे वहां, अब वो जिंदगी बची नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो बस बहुत अच्छी बात है विनोद जी। तो आप दर्शकों के लिए क्या संदेश देंगे, यूट्यूबर्स जो नए नए यूट्यूबर्स हैं, जैसे आपको देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ, आप लोगों को देखकर इंस्पायर हुए थे, तो आप क्या कहेंगे नए यूट्यूबर्स के लिए? यार मैं बताऊं, जो लोग पैसा देख के आते हैं ना वो कभी यूट्यूबर बन नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ना मैं रियलिटी बताऊं, मुझे जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था और मुझे लगभग 6-8 महीने हो गए थे करते करते, मुझे पता तक नहीं था कि इससे पैसे मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप पैसे को देख के यहाँ आए हो ना, तो वापस चले जाओ, कोई काम का नहीं है आपके लिए, प्लेटफॉर्म ही काम का नहीं है। बिल्कुल, अगर आप पैशनेट हो किसी चीज को करने के लिए, अगर है ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको करने में मजा आता है, काम करने में मजा आ रहा है और जिससे लोगों को कुछ फायदा हो सकता है। मैं जिमिंग करता था, मुझे मजा आता था, मैं दिल से करता था, ठीक है ना, इसलिए वो दिखाता था। बहुत बढ़िया। आज खेती करता हूँ ना, तो ये भी मेरा आज पैशन बन गया, मैं शौक से, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पिताजी मेरे भाई ये सब कर लेते हैं मुझे, लेकिन शौक है। पहले भी मैं खेती में इंटरेस्ट देता था, लेकिन जिमिंग का भी था, लेकिन जिमिंग तो अब लाइफ से निकल गई है, तो अब सिर्फ खेती बची है, इसलिए वो ही मैं शौक से करता हूँ, तो ये शौक है मेरा। बहुत बढ़िया है ना, इस हालत में ही मैं खेतों पे आता हूँ, तो ये शौक है। अभी भी हम खेतों पे ही बैठे, खेतों में ही बैठे हैं, तुम्हारे फार्म हाउस पर ही हम बैठे हुए हैं, तो हम लोग अभी बैठे हुए हैं दोस्तों विनोद जी के फार्म हाउस पर, और इनके खेती किसानी से जुड़े हुए वीडियोस आप देखते ही हैं। रूल्स ऑफ लाइफ इनका ब्लॉगिंग चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक यदि ना किया हो तो। और कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए संदेश आप देना चाहें, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दर्शक जो आपको देखेंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो भैया देखो, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अलग फील्ड के हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो खेती किसानी से ही जुड़े हुए लोग। बिल्कुल हैं। बिल्कुल, फिर भी मैं कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखा करो या लाइक करो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक ना किया हो तो, है ना। और क्या, बस यही संदेश था। दिल से बनाते हैं, बिल्कुल मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए।
तो दोस्तों किलोमीटर गाड़ी चला के मिलने आया सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं, हम भी गए थे मिलने। आप भी गए थे मिलने पिछले साल, हम गए थे। बिल्कुल होशंगाबाद गए थे आप, आएंगे अब कुछ दिनों बाद। बिल्कुल स्वागत है आपका, आइए अपन फिर वहाँ भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आपको आज के वीडियो में एक रियलिस्टिक वीडियो, एक यूट्यूबर ने अपनी जर्नी बताई, क्या सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, मेरी लाइफ क्या कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा वो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मैं भी उसको हाईलाइट करूंगा। और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हो तो। और विनोद जी ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें दी, यूट्यूब की जर्नी के बारे में बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपको। थैंक यू वेरी मच।